तो मुझे काफ़ी हल्का लग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से उठाया और 4 कदम। हेलो दो तीन घंटे का बच्चा, गाय का बच्चा कैसा होता है? दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अब जो मेरे ब्लॉग रेगुलर आएंगे डेली, क्योंकि अब मैं गांव में आ चुका हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। तो दोस्तों, आज जो कल हमने लहसुन लगाए थे खेत में, मैंने पिछले ब्लॉग में दिखा दिया था, तो आज हम उस पर जो है ये गोबर यहाँ से उठाएंगे। मैं और पापा होंगे मेरे साथ, ये गोबर यहाँ से और ये पूरे खेत में हम जो है इनको इसको डाल देंगे, और थोड़ा गोबर वहाँ पे भी है, अगर यहाँ पे कम पड़ा तो हम वहाँ से भी उठाएंगे इसको और इसमें सारे में बिछा देंगे। ये गोबर उठाने का रहता है, इसको हम पहाड़ी में घिला बोलते हैं, तो इससे हम उठाएंगे गोबर। और चलिए फिर मैं शुरू करता हूँ काम, और लेके प्रभु का नाम भर लिया यहाँ पे इसको, और अब मैं उठाऊँगा इसको अपनी पीठ पे। इसको उठाने के लिए पहले तो ये रस्सी अपने कंधे पे सेट करनी होती है। क्योंकि मैंने यहाँ से उठाया और 4 कदम मैं इसको चल के यहाँ पे रख रहा हूँ। अभी मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखिए इतना मैंने लाया, और मैं वहाँ से ला रहा हूँ, ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है शाम के लगभग 7 बजने को आया, तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई गौशाला। गौशाला किस लिए जा रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी मेरे जो वहाँ पे गाय है उसका जन्म हुआ है और छोटा सा बेबी बॉर्न हुआ है। तो चलिए मैं फिर आपको वीडियो में भी दिखाऊंगा कि 1-2 घंटे का बच्चा जो है कैसा होता है, मतलब जब उसका जन्म होता है, तो फिर मैं दिखाता हूँ ब्लॉग में। तो अभी मैं चलता हूँ फटाफट से। और भाई, मैं जियो डिजिटल लाइफ के साथ कैसा लग रहा हूँ मुझे ज़रूर बताएँ। अभी मैं पहुँच चुका हूँ गौशाला गाय के रूम, तो अभी मैं देखता हूँ फटाफट से। हाय, वाओ, हेलो, हाँ, एक सूत्र रंडो। तो ये वो छोटा सा बच्चा जिसका अभी जो है 2 घंटे पहले बॉर्न हुआ है, और ये जो गाय है, इस गाय का ये बच्चा है। तो देखिए कितना क्यूट है यार, इस गाय ने जो है इस बच्चे का जन्म दिया है। हाय बेबी, सोजा सोजा क्यूटी, सोजा, हेलो हेलो। तो यार, गाय का बच्चा जो है बहुत एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन चाइल्ड। क्या मैं छू रहा हूँ, तकलीफ हो रही इधर को? तो ऐसा होता है कुछ बच्चा जब छोटा होता है, 3 या 4 घंटे का बच्चा है फिर भी इतना बड़ा है। एक ये इधर खाले खाले खाले, क्यूट सा भी सो रहा है आराम से। कैसा लग रहा है बाहर? वेलकम टू अर्थ। तेरे भी गौशाला से भाई, अब मैं जा रहा हूँ घर की ओर। अब मैं सड़क पे हूँ अभी, तो छोटा बच्चा और गाय का ध्यान रखने के लिए अभी आज मम्मी और पापा वहीं पे स्टे करेंगे, और मैंने इनके लिए खाना वगैरह लाया था, और अभी अब मैं घर की ओर जा रहा हूँ। तो बाकी बुआ और सिस्टर मेरे यहाँ पे थे, उन्होंने खाना खा लिया है, और मैं मम्मी को खाना देने गया था तो मुझे थोड़ा लेट हो गया। तो दोस्तों, अभी खाने में बनाया भी करेला मैंने ही बनाया, करेला चपाती, और साथ में मेरे पास अपने खेत की लोकल खीरा और हरी मिर्च। तो अभी मैं फटाफट से खा लेता हूँ, अभी मैं फटाफट से खाना खा लेता हूँ, और फिर मिलता हूँ आपको कल अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर से शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलता हूँ कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड टाटा, टेक केयर, बाय बाय।